Good morning students, I hope you all are fine and safe at your home. Today I am going to teach you science activity of class 2. Firstly, open your book page number 3, unit number 2, the animals word. Activity 2.4, look at the pictures below, write W against warm-blooded animals and C against cold-blooded animals. यानी नीचे कुछ एनिमल्स के हमें पिक्चर्स गिवन है और इनमें से जो वार्म ब्लडेड होंगे उनके लिए हम उनकी ब्लैंक में W राइट करेंगे और जो के कोल्ड ब्लडेड होंगे वहाँ पर हम C लिखेंगे. वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, सेम रहता है, उनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन, मैमल्स, बर्ड्स. बट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल रेप्टाइल्स, फिश, एम्फीबियंस, ईटीसी. सो अब हमने गेस करना है कि कौन सा वार्म ब्लडेड है और कौन सा कोल्ड ब्लडेड है. फर्स्टली लॉयन. लॉयन जो है वो मैमल है, इसलिए ये क्या है, वार्म ब्लडेड है. तो हम यहाँ पर इसके ब्लैंक में सिर्फ W लिखेंगे कि ये वार्म ब्लडेड है. नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल कोल्ड ब्लडेड है, इसलिए हम इसमें सी लिखेंगे. शीप, ये भी वार्म ब्लडेड है, मैमल है, इसलिए हम यहाँ पर W लिखेंगे. फ्रॉग. फ्रॉग एम्फीबियन है, सो ये कोल्ड ब्लडेड है, इसलिए यहाँ पर हम सी लिखेंगे. डॉग. डॉग जो है वो कोल्ड वार्म ब्लडेड है, इसलिए हम W लिखेंगे क्योंकि ये भी मैमल है. बॉय यानी ह्यूमन बींग, ये भी वार्म ब्लडेड है, इसलिए हम W लिखेंगे. लिजर्ड, इसके लिए भी कोल्ड ब्लडेड लिखेंगे क्योंकि ये रेप्टाइल है. फिश. फिश जो है वो कोल्ड ब्लडेड होती है, इसलिए हम C लिखेंगे. बियर वार्म ब्लडेड है, इसलिए हम W लिखेंगे. सो यू हैव टू डू दिस वर्क ऑन योर एक्टिविटी बुक. थैंक यू.